कुंडली में यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ये होती है, ये होती है लोहे की, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये कॉपर की वाइंडिंग्स होती है, ये क्या होती है, ये होती है कॉपर की वाइंडिंग, ठीक। यहां पर हमारा ये बल्ब लगा हुआ होता है, इसको जब हमारी करंट फ्लो होगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, ठीक है। तो ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। बल्ब में जो ये होते हैं, ये हमारे तंतु तंतु लगा होता है, ठीक है। ऐसे टंगस्टन का, टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे, ये हमारा, ठीक है, ये धारा का स्रोत है जहां से हम करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है। ये हुए हमारे धारा का स्रोत। यहां पर इसको ऐसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये हमारी होती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि यह हमारी धारा जो होती है वो समय के साथ अपना मान परिवर्तित करती रहती है, ठीक है। करंट जो होता है वो फ्लक्चुएशन होता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है धारा के मान में, धारा इसमें परिवर्तित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, ठीक। ये हो गया भाई बस। तो कुंडली का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पे आ जाएंगे। जो कुंडली के ये जो इसमें जो होती है हमारी वाइंडिंग होती है जो कुंडली की, जिसमें इसका प्रतिरोध नगण्य होता है और उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है। क्या होता है? नगण्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है। उच्च प्रेरकत्व की कुंडली इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान में ह्रास करने का, सबसे कम नुकसान करने के लिए, नुकसान सबसे कम और नगण्य होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या काम है? सिद्धांत है इसका प्रत्यावर्ती। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहा जो होता है कि सिद्धांत क्या, सिद्धांत क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान में न्यूनतम ह्रास के लिए, सबसे कम नुकसान होने के लिए, न्यूनतम ह्रास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बताएंगे इसमें कैसे, किस तरीके से धारा का नुकसान सबसे कम होता है। देखो तो जो यहां पर इसका प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो होता है नगण्य। तो वहां से हमारा धारा का जो नुकसान होगा, क्योंकि V इक्वल I इक्वल क्या होता है, I इक्वल होता है V / R, है ना। तो जितना कम प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही धारा में नुकसान कम होगा, है ना। जो हमारी करंट डिपेंड कर रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आगे। जितना कम होगा प्रतिरोध उतने ही धारा में क्या होगा, नुकसान, मतलब मैक्सिमम धारा हमें यहां पर मिल जाएगी। आई मैक्स कब मिलेगी? आई मैक्सिमम तब मिलेगी जब आर का मान हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, नगण्य होगा। मिनिमम मतलब है नगण्य होगा। ठीक, तो जो कुंडली का सिद्धांत हो गया, ठीक है। यहां पर नर्म लोहे की क्रोड हो गई, ये हमारा परिपथ हो गया। ये बल्ब के बारे में, बल्ब जो होता है हमारा, है ना, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो क्या अराइज होता है कि इसमें तंतु लगा होता है, बाहर से ये लगाया जाता है। यहां पर आवरण, बल्ब के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें क्या है, ठीक। यहां पर ये पिन लगी होती है, छोटी छोटी पिन होती है, ठीक है। ये बाहर का होल्डर हो गया, यहां पर ये टांके लगे होते हैं तांबे के, जहां से हमें करंट को फ्लो कराना होता है। यहां पर ये हमारे तार अंदर की ओर गए होते हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का होता है, इसके ऊपर कांच लगा होता है, इन सबके ऊपर जो होता है ये कांच की छड़े लगी होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बाहर हमारे पास क्या होता है, ये तंतु लगा होता है, ठीक है। कांच क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गलनांक उच्च करने के लिए, कांच का जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये गल ना जाए बहुत ज्यादा हीट होने पर। कांच कौन से बल्ब हमारा कौन से सिद्धांत पर आता है? कांच का गलनांक बहुत ज्यादा है, ये गर्म हो भाई, ये सिद्धांत बल्ब कौन से सिद्धांत पर होता है? बल्ब के लिए जब बात करेंगे तो जब किसी भी तार में, है ना, चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत पर आधारित। किस सिद्धांत पर आधारित है? चालक तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर,
धारा प्रवाहित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है या वो गर्म हो जाता है, उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है, उष्मा उत्पन्न। जैसे किसी बैटरी से हम किसी तार को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा। इसमें होता है क्या है भाई, यहाँ से करंट फ्लो होती है, ये हीट होता है, हीट होने के बाद वो बहुत ज्यादा धीरे-धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है वो तप्त दीप्त हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हीट होने के कारण लाल हो जाता है, गर्म होता है ना, फिर वो स्वच्छ हो जाता है, सफेद हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है हमें लाइट मिलने लगती है, बल्ब जलने लगता है। ठीक है, इसी ध्यान पर आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ तो इससे क्वेश्चन जो है राइज होगा, बल्ब के बारे में जरूर पूछेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूछेंगे कि ये प्रत्यावर्ती, मतलब इसको ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है कि धारा के मान में फ्लक्चुएशन होता है, वो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, बाकी जो कुंडली में मस्ती देखी चीज है, इसका जो कुंडली होती है इसमें जो तार प्रयोग होता है उसका प्रेरकत्व उच्च होता है और प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। बस कंप्लीट।